नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले उस मैच के बारे में जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में साल 2016 में खेला गया था। इस मैच में अंत तक कोई कुछ नहीं कह सकता था कि भारत जीतेगा या फिर वेस्ट इंडीज की टीम जीतेगी, मगर दोस्तों अंत में आकर के वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मुकाबले को एक रन से जीत लिया था, मगर केएल राहुल ने तूफान मचा दिया था। अगर आप भी जानना चाहते हो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में और आप भी इस मैच की पूरी हाइलाइट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया तो वेस्ट इंडीज की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए जय कालेस के साथ इवन लुइस, दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और जय कालेस ने मात्र दोस्तों 33 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके 7 छक्के की मदद से 79 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर मोहम्मद शमी ने इनको डायरेक्टली बोल्ड मार दिया। उसके बाद दोस्तों इवन लुइस की हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि इवन लुइस ने मात्र 49 गेंदों का सामना करते हुए अपने 100 रन पूरे कर लिए और दोस्तों इस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम ने 6 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में 245 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय टीम के सामने, जहां पर भारतीय टीम की ओर से इस स्कोर का पीछा करने के लिए आए सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए उतरे रोहित शर्मा के साथ अजिंक्य रहाणे, मगर दोस्तों अजिंक्य रहाणे का विकेट 7 रन पे ही गिर गया। अजिंक्य रहाणे 7 रन बनाकर चलते बने, आंद्रे रसेल ने इनको आउट कर दिया। और उसके बाद दोस्तों विराट कोहली से बहुत बड़ी उम्मीद थी, मगर दोस्तों विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाए, विराट कोहली भी 16 रन पे आउट हो गए। और उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मैच को जीत की लगभग दहलीज तक पहुंचा दिया, जहां पर रोहित शर्मा ने 62 रन की धुआंधार पारी खेली मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए। तो वहीं एमएस धोनी ने भी केएल राहुल का साथ दिया जब रोहित शर्मा आउट हो गए, क्योंकि एमएस धोनी ने भी मात्र 25 बॉलों का सामना करते हुए 43 रन की विस्फोटक पारी खेली। और दोस्तों अंत के ओवर में अब 8 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, मगर दोस्तों भारतीय टीम नहीं बना सकी और एक रन से हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। जहां पर दोस्तों केएल राहुल की सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी, केएल राहुल ने मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 5 गेंदों में 5 छक्के की मदद से 110 रन की नाबाद और विस्फोटक पारी खेल डाली और 244 रन बना डाले, मगर दोस्तों एक रन से हार गई भारतीय टीम। दोस्तों, आप केएल राहुल की इस धुआंधार बल्लेबाजी और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।